हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉनस्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? तो भारत 2 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, यानी कि वो हमेशा रहते हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 बाकी अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि वो हर साल 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। तो इस बार भारत इसका अस्थायी सदस्य बन गया है। बात हुई संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। प्रश्न है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स ये बहरीन में आयोजित किए जाएंगे। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 में दिसंबर में बहरीन में आयोजित किए जाएंगे। बात हुई बहरीन की, तो बहरीन की राजधानी मनामा और बहरीन की करेंसी है दिनार। बहरीन के प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। दक्षिण, प्रत्येक वर्ष सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये 18 जून को मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी, इसका मतलब होता है पौष्टिक भोजन बनाने की कला या फिर विज्ञान। तो प्रत्येक वर्ष सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये 18 जून को मनाते हैं। प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भारत की गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कितने बिलियन डॉलर का ऋण देगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 750 मिलियन डॉलर। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये भारत को गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। बात हुई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में, और इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकन, जिन लिकन इसके अध्यक्ष हैं। दक्षिण, दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है झारखंड के रांची में। झारखंड के रांची में इसका उद्घाटन किया गया है, और इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। और ये केंद्र झारखंड में विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। तो झारखंड के रांची में इस समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और बात हुई झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। अपने BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन, इन्हें फरवरी 2019 में BCCI के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, तो अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बात हुई BCCI की, तो BCCI की फुल फॉर्म होती है
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अध्यक्ष ने मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। इस स्कीम से नई कार खरीदने के लिए ज़्यादा समय तक लोन चुका सकते हैं, यानी कि अगर कोई कार खरीदने के लिए लोन लेता है तो उसे लोन चुकाने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा इस स्कीम के तहत। बात हुई करूर वैश्य बैंक की, तो करूर वैश्य बैंक इसका मुख्यालय है करूर तमिलनाडु में, तमिलनाडु के करूर में इसका मुख्यालय है, और इसके चेयरमैन हैं NS श्रीनाथ, और इस बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक, स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन है। और बात करें मारुति सुजुकी की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और मारुति सुजुकी इसमें मारुति इंडिया की कंपनी है और सुजुकी ये जापान की कंपनी है। अध्यक्ष ने द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी रूस में। तो रूस के मॉस्को में 24 जून 2020 को ये परेड आयोजित की जाएगी, तो इसमें भारत अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को भेजेगा। बात हुई द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 में, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ था। अध्यक्ष ने IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है 43वें स्थान पर। IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है ये सूचकांक जारी किया है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, तो इसमें भारत है 43वें स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, तो इसमें भारत है 43वें स्थान पर। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बन गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।